आज के इस वीडियो में हम लोग जावा के लेटरल्स की बात करेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं और आप किस तरह से एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल एक कैरेक्टर लिटरल और उसी के साथ साथ एक लॉन्ग लिटरल ये बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर नोट्स के अंदर कुछ और चीजें मैंने ऐड करी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आप लोग की जावा प्रोग्रामिंग जर्नी को बहुत आसान बना देंगी तो ये डबल शक्ति है यहाँ पर एक तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखे हुए हैं और वीडियो तो दमदार में बना ही रहा हूँ पूरी मेहनत से आप लोगों के लिए अगर आप लोग को एक कोर्स अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट में नाइस nice वीडियो जरूर लिख कर देना हम लोग आज लिटरल्स को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे प्रोग्राम्स बनाएंगे और आपको इस वीडियो के बाद जावा कुछ अपनी सी लैंग्वेज लगने लगेगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड Yes, पिछले वीडियो में हम लोगों ने तीन नंबर्स को ऐड किया था और बड़े आराम से ये प्रोग्राम बनाया था मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से हम लोगों के जो प्रिमेटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर वो डिफाइंड होते हैं हमने ऑलरेडी बात कर ली इन सब चीज़ों की क्या वेरिएबल होता है क्या वो नियम होते हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए हमने वो सारे लिस्ट डाउन की थी ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना प्रिंट आउट निकाल के अगर इसका रख लोगे आप और पूरी गड्डी बना लोगे एट द एंड ऑफ द कोर्स तो आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी ठीक है यहाँ पर देखो प्रेमेटिव डेटा टाइप्स नॉन प्रेमेटिव डेटा टाइप्स में हमने डेटा टाइप्स को बांटा था और उसके बाद हमने यहाँ पर डेटा टाइप्स जो हमारे प्रेमेटिव वाले थे देखा था कि उसके अंदर आर्ट होते हैं बाइट की बात की थी शॉर्ट एंड फ्लोट लॉन्ग डबल कैर बुलियन हमने ये भी देखा था कि बुलियन का साइज जो होता है वो जे पर डिपेंड करता है डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है अब यहाँ पर हमने तीन नंबर्स को ऐड करने की क्विक कोशिश करी प्रेमेटिव डेटा टाइप्स की बात मैं करूँ तो ये पर चार तरह के होते हैं इंटीग्रल फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर्स जो कि हमारे पास फर्दर दो तरह के होते हैं फ्लोट और डबल कैर बुलियन अब इंटीग्रल जो हमारे टाइप्स होते हैं उनमें आता है हमारे पास बाइट शॉर्ट इंट और लॉन्ग अब आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने इंट लिखा हुआ है ये यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर ऐसे लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ लिखा है कैपिटल डी और स्मॉल डी लिखा है ये क्या होता है यहाँ पर बात करना चाहूँगा सबसे पहले आप लोगों से लिटरल की कि जावा के अंदर लिटरल होता क्या है और किस तरह से आप लोग एक डेटा टाइप चूज करो वेरिएबल बनाने के लिए तो अगर आप लोगों ने क्या जावा की प्ले एक्सेस नहीं करी है तो आप ये प्ले एक्सेस कर लेना चौथा वीडियो है हमारा ये इसलिए मैं फाइल का जो नाम रखने वाला हूँ भी यहाँ पर न्यू जावा क्लास करूंगा और मैं रखूँगा जीरो फोर अंडर स्कोर लिटरल्स डॉट जावा अपने आप ऑटोमेटिकली एड हो जाएगा तो यहाँ पर नंबर से क्योंकि मैं स्टार्ट नहीं कर सकता अपनी क्लास को तो मैं यहाँ पर सी डब्ल्यू एच भी लिख देता हूँ और यहाँ पर सी डब्ल्यू एच अंडर स्कोर जीरो फोर लिटरल्स डॉट जावा इस नाम की क्लास मेरी बन गई है अब मेन मेथड लगाने के आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ मेन लिखना है और बाकी काम आपका ये इंटेलिजेंट आइडिया आपको करके देगा और यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे तो ये हमारा चौथा वीडियो है लिटल्स पे तो इसलिए मैंने इस तरह से क्लास बना ली है जब तक हम अभी अपनी लर्निंग करेंगे तब तक हम लोग इसको इसी तरह से लिखेंगे नंबर डाल देंगे वीडियो नंबर उसमें ताकि आपको भी प्रोग्राम मिल जाए कौन सा मैंने कब लिखा था एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ इंटेलिजें आइडिया के बारे में आप ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा आपको जगह मिल जाएगी बहुत सारी ठीक है अब यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ लिटरल्स की नोट्स में अगर आप लोग देखो यहाँ पर तो मैंने लिटरल को क्या लिखा है सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि डेटा टाइप्स को किस तरह से चूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए मान लो मुझे किसी की एज को स्टोर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे पास क्या ऑप्शन है या तो मैं इंट एज इज इक्वल टू थर्टी फोर लिख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पर बाइट एज इज इक्ल टू फोटी थर्टी फोर लिख सकता हूँ जितनी भी एज है वो लिख सकता हूँ या फिर मैं शॉर्ट इंड लॉन्ग इनका भी इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ सारे इंटीग्रल डेटा टाइप हैं तो मैं ये देखूंगा कि मेरी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी जाने वाली है अब एज है तो मैक्सिमम कितनी जाएगी सौ जाएगी सौ से ज़्यादा तो नहीं जा सकती इनफैक्ट अगर चली भी गई तो यार आई एम डैम श्योर एक से ज़्यादा किसी की एज नहीं जाएगी तो मैं सेफली यहाँ पर बाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मैं बाइट यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगा इंड बाइट एज इक्वल टू लिख दूंगा एज उसी तरह अगर मुझे लगता है कि यार मेरा जो नंबर है वो इन लिमिट्स के बीच में रहने वाला है इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो मैं शॉर्ट का यूज़ करूँगा एंट अगर मेरा है ये तो मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर मेरा जा रहा है नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं वैसे लिखूँगा अब मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताता हूँ जो एक वीडियो था यूट्यूब पर गेंगनेम स्टाइल गैंगनेम स्टाइल वीडियो था एक यूट्यूब पर जो कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ इसने पाए थे इनिशियली यूट्यूब ने कुछ ऐसा डेटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ था अपने बैकेंड सिस्टम्स में जो कि जिसको कि इसने तोड़ दिया था इसके जो व्यूज़ हैं गैंगनेम स्टाइल के इसके व्यूज़ ने उसको तोड़ दिया था और फिर वहां पर ग्लिच आ गया था यूट्यूब में पढ़ना कभी आप लोग इसके बारे में फिर उन्होंने ठीक किया था इसको तो शॉर्ट एंड फ्लोट लॉन्ग ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं हम लोग जो भी हमारा डेटा जिस तरह का है सबसे पहले इंटीजर है कोई डेसिमल नंबर है कैरेक्टर है बोलिए ये देखेंगे फिर ये देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो मिनिमम कितना जाएगा मैक्सिमम कितना जाएगा एज है मैक्सिमम मुझे बताया एक सदस्य से ज़्यादा नहीं जाने वाली यार कुछ भी हो जाए एक से आगे तो नहीं जाएगी ठीक है तो मैं सेफली बाइट यूज़ कर सकता हूँ तो इस तरह से आप लोग डेटा टाइप चुनते हो इसीलिए मैंने पे लिखा है इन ऑर्डर टू चूज़ द डेटा टाइप वी फर्स्ट नी नीड टू फाइंड द टाइप ऑफ डेटा वी वॉन्ट टू स्टोर कि किस तरह का मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ इंटीजर फ्लोट कैर बुलियन उसके बाद वी नीड टू एनालाइज द मीन इन मैक्स वैल्यू वी माइट यूज़ की मिनिमम कितनी मैं यूज़ करूँगा मैक्स टू मैक्स कितनी यूज़ करूँगा ठीक है तो ये है हमारा किस तरह से डेटा टाइप को चुना जाता है अगर कोई मैं स्टोर कर रहा हूँ वैल्यू अब लिटरल क्या है लिटरल किस चीज़ को कहते हैं ए कॉन्स्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइन टू द वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ लिटरल मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है अगर मैंने यहाँ पर इंट एज इज इक्ल टू या फिर वाइट एज इज इक्वल टू थर्टी फोर लिखा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जो थर्टी फोर है हमारा यहाँ पर ये एक लिटरल है ये एक लिटरल है अगर आप इस थर्टी फोर को देखो तो ये एक इंटीजर लिटरल है यहाँ पर ठीक है तो हमारा जब मैं इंटीजर लिटरल यहाँ पर लिख रहा हूँ थर्टी फोर तो एज वेरिएबल जो मैंने बनाया उसके अंदर थर्टी फोर आ जाएगा तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर एज लिखता हूँ तो मेरा थर्टी फोर प्रिंट हो जाएगा नीचे ठीक है तो मैं राइट right क्लिक करके कभी भी आप एक नई फाइल बना रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या करो आप कभी भी एक नई फाइल बना रहे हो तो राइट right क्लिक करके रन करो उसको राइट क्लिक करके रन करो और एक बार वो यहाँ पर आ जाए फिर उसके बाद आप रन कर सकते हो या फिर यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो तो अगर आप डायरेक्टली इसको दबाओगे रन को तो आपकी वो फाइल रन नहीं होगी जो कि आपने बनाई है आपकी प्रीवियस फाइल रन हो जाएगी इसलिए राइट क्लिक करके हमेशा रन करने की आदत डालें इंटेलिजेंट आइडिया में ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्टी फोर प्रिंट हो गया है अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा कैर सी एच इज़ इक्वल टू ए तो आप देखो मैंने इसको सिंगल कोट्स में लिखा क्यों लिखा सिंगल कोट्स में क्योंकि नियम होता है जावा में कि आप कैरेक्टर लिटरल को सिंगल कोट में लिखेंगे तो इसे लिटरल कहते हैं वो वैल्यू जो कि किसी वेरिएबल में स्टोर की जा सकती है सिमिलरली अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फ्लोट एफ वन इज इक्वल टू फाइव पॉइंट सिक्स तो ये फाइव पॉइंट सिक्स जो है वो कौन सा लिटरल है अब यहाँ पर फाइव पॉइंट सिक्स आप बताओ कौन सा लिटरल है आप लोगों को लगेगा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है लेकिन ये फ्लोट और डबल में से कुछ भी हो सकता है कैसे पता लगाएंगे तो ये डबल होता है बाई डिफॉल्ट मैंने पर लिखा भी है, जो डबल लिटरल होता है। तो फाइव पॉइंट सिक्स एफ का मतलब कि ये वैल्यू मैं फ्लोट के लिए बना रहा हूं मैं चाहता हूं ये वैल्यू फ्लोट हो ठीक है अब अगर मैं डबल बना रहा हूं अगर मैं डबल वैल्यू कोई बना रहा हूं और मैं लिख रहा हूं डी वन इज इक्वल टू फोर पॉइंट सिक्स सिक्स तो मैं सेफली इसको ऐसे ही लिख सकता हूं मेरे हाथों में अगर कुछ ज़्यादा इक्चुअल है तो मैं डी यहाँ पे लगा दूंगा लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये यह ऐसे ही काम करता है तो डी भी आप लोग लगा सकते हो आपको जावा प्रोवाइड करता है कैपिटल डी या स्मॉल डी आप लगा सकते हो दोनों केस में ये प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है थीके? तो यहाँ पर इस तरह से आपके लिट्रल्स काम करते हैं तो लिटरल क्या है ये जो राइट एंड साइड वाली वैल्यू है वो है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना ज़्यादा अगर मैं एक इंटीजर मान रहा हूं एक इंटीजर वैल्यू डालना चाहता हूं तो मैं यहां पर एक इंटीजर लेटर ऐसे लिख दूंगा अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी जब मैं फ्लोट बना रहा था तब मैंने यहां पर स्मॉल एफ और कैपिटल एफ लिखा जब मैं डबल बना रहा था तब मैंने कैपिटल डी लिखा या फिर नहीं लिखा क्योंकि डिफॉल्ट होता है डबल इंटीजर्स के केस में क्या होता है क्या बी एस आई लिखना पड़ता है नहीं बाइट शॉर्ट और इंटीजर जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप अपनी जगह ले लेते हैं आपको कुछ एफ डी बी एस ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है अगर आप बाइट एज इजिकल टू थर्टी फोर लिख रहे हो, तो वो बाइट में स्टोर हो जाएगा अगर आप यहां पर कुछ इस तरह से लिख रहे हो इंट एज इज इक्ल टू फिफ्टी सिक्स इंटीजियर टू फिफ्टी ऑटोमेटिकली जो इंटीजर है वैसा बन जाएगा अब हमारे पास जावा में क्या होता है मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हमारा जो डेटा टाइप होता है जो भी प्रमेटिव डेटा टाइप्स होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग एक क्लास होती है जैसे कि इंटीजर के करस्पॉन्डिंग ये वाली क्लास होती है जावा डॉट लैंग के अंदर फिर बाइट के अंदर ये वाली क्लास होती है जावा डॉट लैंग के अंदर हमारा जो लॉन्ग है उसके अंदर ये क्लास होती है जावा डॉट लैंग के अंदर अभी हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहे हैं लेकिन मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इंट एज टू जी टू फिफ्टी सिक्स लिख रहे हैं तो फिफ्टी सिक्स इंटीजर टाइप का ही बनेगा ऑटोमेटिकली थर्टी फोर जो है वो बाइट टाइप का ही बनेगा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिकली सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से शॉर्ट की तो शॉर्ट भी ऑटोमेटिकली बनेगा लेकिन लॉन्ग ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा अगर मुझे एक लॉन्ग इंटीजर बनाना है तो मैं लॉन्ग मान लो एज डाइनो लिखूँ एज डाइनो इज इक्वल टू मान लो मैं मैंने लॉन्ग लिखना था एल ओ एन जी एज डाइनो इज इक्वल टू अगर मैं फाइव ऐसे करूँ तो ये यहाँ पर जो है मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई इंटीजर नंबर बहुत लंबा है बाई डिफ़ॉल्टे एक इंटीजर होगा तो मैं क्या करूँगा कि ये, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट एक इंटीजर मुझे यहाँ पर एक एल लगाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि मैं लॉन्ग नंबर की बात कर रहा हूँ या मैं कैपिटल एल भी लगा सकता हूँ मेरी मर्जी है ठीक है तो अभी मैं यहाँ पर इसको लॉन्ग नंबर जो है लॉन्ग नंबर के तौर पर मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ ठीक है अब यहाँ पर एज एज टू इनमें मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है शॉर्ट में भी मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है अगर मैं शॉर्ट एज थ्री इज ईक्ल टू सिक्सटी सेवन लिखूँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं है हाँ लेकिन एक बात है अगर मैंने एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर दे दिया तब ये बोलेगा कि भाई शॉर्ट में ये नंबर नहीं स्टोर हो सकता और आपको ये दिक्कत क्रिएट करेगा तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है तो मैंने शॉर्ट एज थ्री इज एकल टू एट्टी सेवन लिखा है और यहाँ पर लॉन्ग डाइनो इजिकल टू लिखा है और सारी की सारी जो वैल्यूज़ लिखी हैं ये एकदम वैलिड है मेरा जो जावा इसको कंपाइल कर देगा मैं इनको प्रिंट करूंगा वैल्यूज़ को तो भी ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रिवेटिव डेटा टाइप्स देखे चार तरह के होते हैं ये हमने देखा हमने देखा कि जो हमारा इंटीग्रल डेटा टाइप्स होते हैं बाइट शॉट और एंड अगर हमने लिटरल लिख दिया एक इंटीजर तो ये ऑटोमेटिकली बाइट शॉर्ट और इंट का बैकएंड में जो भी करस्पॉन्डिंग इसकी क्लास है उस टाइप का वेरिएबल ये बना लेगा लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टाइप का बनाना है एक इंटीजर तो मुझे कैपिटल एल और स्मॉल ए लगाना पड़ेगा ठीक है अगर मुझे फ्लोट टाइप का बनाना है तो स्मॉल एफ़ और कैपिटल एफ़ लगाना पड़ेगा डबल में मैं लगा भी सकता हूँ नहीं भी क्योंकि ये तो बाई डिफ़ॉल्ट होता है सिमिलरली कैर जो है मेरा उसमें मुझे सिंगल कोड के अंदर डालना पड़ेगा और मैं बुलियन जो है बुलियन को मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ मैं यहाँ पर बुलियन ए इज इक्वल टू ट्रू ऐसे बना सकता हूँ और यहाँ पर वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है ठीक है सो इतना ही हम लोग सीखेंगे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा हम लोग आ, अभी डाइसेक्ट नहीं करेंगे कि यार ये सब चीज़ें बैक एंड में कैसे काम करती हैं हमने अभी सिर्फ आठ प्रव रेटाइव्स एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ इनको लिस्ट डाउन कर दिया है और हमने प्रोग्राम कंपाइल कर लिया हमारा चल गया प्रोग्राम एंड दैट शुड बी इनफ फॉर अस एट दिस पॉइंट ठीक है तो ये एफ़ डी आपको लगाने की जरूरत नहीं भी है कहने का मतलब यह है कि डी आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता बाय डिफॉल्ट कोई भी डेसिमल नंबर एक डबल लिटरल होता है फ्लोट लिटरल के लिए आपको एफ लगाना पड़ता है डेसिमल नंबर के बाद तो यह फ्लोट लिटरल है यह कैरेक्टर लिटरल है यह एक लॉन्ग लिटरल है ये तीनों एक इंटीजर लिटरल हैं ठीक है थीके? बाइट इंट और शॉर्ट के बराबर में मैंने यहाँ पर इंटीजर को बस लिख देना और बाकी काम ये ऑटोमेटिक करता है ठीक है सो ये हमारे लिट्रल्स थे अब लिटरल मैंने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए ऐसे लिख दिए हैं कॉन्सटेंट वैल्यू विच कैन बी असाइन टू दी वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ लिटरल और यहाँ पर सारे के सारे लेटरल्स मैंने बना दिए एक नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको और वो क्या है वो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल बनाया है और स्ट्रिंग के लिए ना जावा में एक स्पेशल सपोर्ट होता है तो अगर आप कुछ इस तरह से स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू हैरी लिखते हो तो बन जाती है एक एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग ठीक ठीक है 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 क्या बन जाती है? लगा दो, एक बन जाती जाती है, लगा है? अब ए शायद मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया तो इसलिए मैं एक एस नाम से बना लेता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में यहां पर लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखूंगा और यहां पर आप लोग देखो मैं एस टी आर कुछ इस तरह से डाल सकता हूँ और ये स्ट्रिंग भी मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगी देखो हैरी नई लाइन में एक प्रिंटों का मिल जाएगा क्योंकि मैंने प्रिंट एलन का इस्तेमाल किया है अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ करूँ इससे पहले तो जो भी चीज़ प्रिंट हो रही है उसके बाद एक नई लाइन नहीं आएगी जैसे कि आप लोग देख सकते हो थर्टी फोर के बाद तुरंत ही हैरी आ गई लेकिन हैरी के बाद न्यू लाइन आ गई क्योंकि यहाँ पर मैंने दूसरे केस में प्रिंट एलन का इस्तेमाल किया तो ये एस टी आर को प्रिंट कर रहा है उसके बाद एक लाइन को प्रिंट कर दे रहा है तो इसलिए यहाँ पर मेरा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ गया देखो कर्सर यहाँ पर है अभी आउटपुट प्रिंट होने के बाद ठीक है तो इस तरह से हमारे जो लिटरल्स हैं जावा में वो काम करते हैं आई होप कि जावा के लिटरल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी नोट्स की कॉपी सब लोग अपनी अपनी डाउनलोड कर लेना अभी आप की वर्ड्स की बात करते हैं ठीक है की क्या है की में आप देखो वर्ड्स विच आर रिजर्व एंड यूज बाय दी जावा कंपाइलर दे के नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर यानी कि आप उनके नाम के कुछ भी वो नहीं बना सकते वेरियबल्स जैसे से आप कोई मान लो क्लास का नाम बना रहे हो या आप मान लो किसी फंक्शन को बना रहे हो हम फ्यूचर में देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं उनको बनाएंगे तब आप नहीं कर सकते ऐसा ठीक है अब कीवर्ड की मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट यहाँ पर लिखी नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आपको जावा में एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे वैसे आप लोग जो है आ, बड़े आराम से इन सब कीवर्ड्स को पहचानने लगोगे बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है आ, लेकिन आप डॉक्स डॉट और एक्कल डॉट कॉम पर जा सकते हो ये वाला पेज खुलेगा आपका जावा की वर्ड आप लिखोगे वरना आप अगर यही वाले पेज पे आओ हमेशा क्योंकि आपको यहाँ पर जो है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी अब यहाँ पर आप लोग देखो ये सारे के सारे वो की हैं जो कि शायद आप लोग एक बार इनमें एक लुक मारना चाहोगे बट एट एनी पॉइंट इसको रटना मत क्योंकि आप जैसे जैसे जावा में काम करोगे वैसे वैसे आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे ये काम करती है, चीज़े, switch, this, throw, throws, transient, void, interfaces हैं चीज़ें स्विच दिस थ्रो थ्रोस ट्रांजिएंट वाइड इंटरफेसेस देखेंगे हम जब देखेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा कि यार ये तो जावा का कीवर्ड था अभी हमने प्रोटेक्टेड प्राइवेट नहीं देखा है लेकिन जब देखेंगे तब तो आप कहोगे कि हाँ यार ये तो हमने यूज़ किया है तो ये तो कीवर्ड है और कीवर्ड अलग तरह से आप आई डी में दिखता है जैसे पब्लिक है स्टार्टिक है वॉइड है ये की देखो यहाँ पर अलग ही कलर से दिख रहे हैं आप किसी और आई में हो या आपकी सेटिंग कुछ और दो तो, तो इनको चमका दिया जाता है अलग तरह से हाईलाइट कर दिया जाता है और आई का एक बहुत अच्छा यूज़ ये भी होता है कि आप लोगों को पता चल जाता है कि क्या चीज़ क्या है बहुत आराम से आप लोग काम कर पाते हैं आपकी ज़िंदगी को ये आसान बना देता है आप लोग जावा प्रोग्राम को नोट में भी लिख सकते हो ये ज़रूरी नहीं है जो इंटेलिजेंट आइडिया है हमारा वो ज़रूरी नहीं है ऐसा नहीं है कि हमको इस्तेमाल ही करना है इंटेलिजेंट आइडिया बस बात इतनी सी है कि ये हमारी जिंदगी को आसान बना देता है हम फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरह से हम सिर्फ कमांड लाइन में जावा के प्रोग्राम्स को कैसे रन कर सकते हैं लेकिन अभी हम नए हैं जावा में बिगिनर हैं तो जब हम बिगिनर होते हैं किसी लैंग्वेज में तो हम चाहेंगे कि हम उसका टेस्ट लें ना कि हम वो कैसे बनी है वो बैक में कैसे काम करती है वो सब चीज़ें देंगे तो इसलिए स्लोली स्लोली हम लोग चीज़ों को जो है एक्सप्लोर करेंगे ये नोट्स ज़रूर आप एक्सेस कर लेना और ये नोट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए और कीवर्ड्स जो है आप लोगों को लिखना है तो आप जावा कीवर्ड्स प्लस और लिख देना ताकि सीधे डॉक्स खुलें वैसे डॉक्स ही खुले थे मैंने जावा कीवर्ड लिखा था, था तो बट अगेन आप लोग चाहेंगे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आप देखें प्ले लिस्ट जरूर एक्सेस कर लेना वीडियोज़ को यार लाइक करते रहना दिल से खुशी होती है आप लाइक करते हो तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने गए नोट्स एक्सेस कर लेना प्ले लिस्ट एक्सेस कर लेना वीडियो को मेरे लिए लाइक कर देना नोट्स को अपने लिए एक्सेस कर लेना और काफ़ी चीज़ें जो है मैं प्लान कर रहा हूँ वीडियोस आ रहे हैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए नोट्स भी बन रहे हैं सब कुछ रेडी है एकदम आप लोगों के लिए बेस्ट जावा कोर्स मैं तैयार कर रहा हूँ आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा है अभी के लिए इस वीडियो में इतना इतने गैस Thank you so much, guys, for watching this video, and I will see you next time.